हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी अक्सर विवादों से घिरी नजर आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपना चौधरी का विवाद से गहरा नाता रहा है। अपने डांस के साथ कंट्रोवर्सी को लेकर भी वो चर्चा में रहती है। अब एक बार फिर सपना चौधरी का नाम सुर्खियों में है। सपना अब अपने पुराने धोखाधड़ी के मामले को लेकर कोर्ट में पेश हुई। दरअसल साल 2018 में अक्टूबर के महीने में लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के स्मृति उपवन में डांडिया नाइट्स विद सपना चौधरी का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। शो में शामिल होने के लिए सैकड़ों लोग 2500 रुपये का टिकट लेकर लाइव कॉन्सर्ट में पहुँचे थे, लेकिन अचानक सपना चौधरी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया था। इसके बाद उस शो को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था। ये मामला थाने में पहुंच गया और सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का केस हो गया। इसी मामले में लगातार पेशी पर नहीं आने से लखनऊ की ACJM 5 की कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ NBW गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसी NBW को रिकॉल कराने के लिए सपना चौधरी मास्क लगाकर कोर्ट में पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।